हेलो फ्रेंड्स, रोशनी रसोई अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस रेसिपी का नाम है हरे चने का पुलाव। हरे चने का सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट रेसिपी ट्राई की जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं इसे। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकर में 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाला। तेल डालने के बाद जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, लौंग, इलायची और दालचीनी। इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें स्लाइसेस में कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तब हम इसमें 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। भूनने के बाद मैंने यहाँ 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई सौंफ का पाउडर डाला। कुटी हुई सौंफ का पाउडर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे और फिर मैंने 1/2 टीस्पून के करीब मार्केट का गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को हम भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए तब हम इसमें धुले हुए चने ऐड करेंगे। चने डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक चने और मसाले को आराम से पकने देना है। जब चने और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तब हम इसमें धुले हुए चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद चने के मसाले और चावल को लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चावल लिया था तो अब पानी डालने के लिए 1 कप से थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब नींबू का रस ऐड किया और नींबू का रस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब अच्छे से मिक्स कर दिया फ्रेंड्स तो आप कुकर का ढक्कन लगा कर 1 से 2 सीटी आने तक का वेट करेंगे। 1 से 2 सीटी आने के बाद तैयार है फ्रेंड्स हमारा गर्मा गर्म और बहुत ही स्वादिष्ट सा ये हरे चने का पुलाव। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।